बेटी की शादी के लिए बैंक में जमा पैसे निकालने हाकिमों के आगे गिड़गिड़ाया पिता। सुनिए एक पिता की मजबूरी। जिले में करीब 3 साल पहले हुए सहकारिता बैंक घोटाले का दंश अभी भी खातेदारों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि आड़े वक्त के लिए जमा किए गया अपना ही धन बैंक से निकालने के लिए खातेदारों को हाकिमों के आगे गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित कलेक्टर की जनसुनवाई में देखने को मिला, जहां एक लाचार पिता ने बेटी की शादी के लिए जमा पैसों को बैंक से दिलाए जाने की गुहार कलेक्टर से लगाई। 25 अप्रैल को होनी है बेटी की शादी, बैंक नहीं दे रहा पैसा। कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे करेरा तहसील के टीला गांव के रहने वाले विनोद राय ने बताया कि उसने बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़कर 3 लाख की FD फरवरी 2022 में 1 साल के लिए कराई थी। FD के समय अवधि गुजरे 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन बैंक FD के पैसे नहीं लौटा रहा है, जबकि उसकी बेटी की शादी 25 अप्रैल को होनी है। ऐसे में उसके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। पैसे नहीं मिले तो मेरी बेटी की शादी में व्यवधान पैदा हो सकता है। हालांकि जिला कलेक्टर ने फरियादी पिता को बैंक से जल्द पैसे दिलाए जाने का आश्वासन दिया। यह आपको बता दें कि सहकारी बैंक में हुए करोड़ों के घोटाले के सालों बाद भी बैंक अपना खाता धारकों को जमा पैसे नहीं लौटा रहा। ऐसे में कई परिवारों को अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कहाँ से आए हो आप? टीला से कहरा के पास। आज जा कलेक्ट्रेट में आए हो, क्या समस्या लेके आए हो आप? ये है कि मेरे सब पैसे हैं इसमें जमा, मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। कौन से बैंक में जमा है आपके पैसे? सरकारी, जिला सरकारी। कौन सी कहाँ की ब्रांच है? कहरा। कब जमा किए थे आपने? मार्च में किया था, 2 साल पहले मार्च। अब क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग जो कह देते हैं कि 500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं, एक हफ्ते में एक बार देते हैं। अभी आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत क्यों है? मेरी बच्ची की शादी है साहब 25 अप्रैल में। अच्छा, तो अभी आप गए थे जब मेरी बच्ची की शादी है पैसे लेने, तो क्या कहना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने किया कि हम देखेंगे, देख लेंगे। अच्छा, तो अभी यहाँ क्या आश्वासन दिया आपको कलेक्टर साहब ने? बस कलेक्टर साहब ने अभी तो कुछ नहीं, उन्हें यही बोला कि अभी देख लेंगे, जमा कर दो।